जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है, वहीं दूसरी ओर इस जानलेवा वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होने लगा है। इसी बीच नागौर के डेगाना में बीसीएमओ रामकिशोर सारण की सकारात्मक पहल सामने आई। दरअसल बीसीएमओ सारण ने पुलिस विभाग, प्रशासनिक अधिकारी साथ ही में सामाजिक संगठनों की सहायता से लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया और अब इस फंड के जरिए डॉक्टर्स को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराने में जुटे हैं। इस दौरान डॉक्टरों को सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर और पीपीओ किट समेत सभी संसाधन उपलब्ध कराने का जिम्मा बीसीएमओ रामकिशोर सारण ने उठा रखा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की पूरी टीम रामकिशोर सारण की सक्रियता की मुरीद हो गई है। आपको बता दें कि डेगाना में 128 मेडिकल टीम सक्रिय है, जो कि आज तक 2,03,000 लोगों की स्क्रीनिंग भी कर चुकी है। इसमें से 86 विदेशी भी शामिल है। इनको जांच के बाद में होम आइसोलेट किया गया है। खंड डेगाना अंतर्गत कुल 128 मेडिकल की टीम है जो लगातार हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग कर रही है। उसमें कल शाम तक टोटल 2,28,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली, 47,000 घरों का सर्वे कर लिया गया। कुल डेगाना के अंदर अब तक, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, तब से 6,400 आदमी अन्य राज्यों और अन्य जिलों से आ गए, जिनको सबको होम क्वारंटाइन किया हुआ है। उनमें से 1,246 आदमी है जो कुछ सेंसिटिव स्टेज महाराष्ट्र से, भीलवाड़ा से, इनसे आए हैं, उनको टोटली होम आइसोलेट कर रखा है। स्कूल में टोटल 142 स्कूल डेगाना अंतर्गत है, उनके अंदर 690 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। ब्लॉक स्तर पर 3 टीम बनी हुई है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम, जिनके अंदर डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सभी स्कूलों में रेगुलर विजिट कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, प्लस जो होम क्वारंटाइन है उनका भी हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हैं। आज तक अपने डेगाना के अंदर